वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मैं जीपीएस भरक का आया हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट स्कूल है। यहाँ पे आज मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ। ये भरक जो है, ये एक पसमानदा इलाका है केपीके का। यहाँ पे पानी ना होने के बराबर है। यहाँ के लोग पानी बहुत दूर से लेकर आते हैं, तकरीबन 3-4 किलोमीटर सफ़र करके वहाँ से टीम वगैरह या कूलर वगैरह में लाते हैं। तो आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बाकी स्कूल जो है ना उसका विज़िट कर रहा हूँ। ये यहाँ पे झूली भी है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो है ना नई तामीर हुई है, ये बाथरूम वगैरह बनाए हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एक पसमानदा इलाका है, यहाँ पे पानी ना होने के बराबर। अभी भी जो है ना, ये ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, ये टैंक ऊपर पड़ी है लेकिन यहाँ पे पानी नहीं है। यहाँ पे ये मलबा जो आप देख रहे हैं, ये 2 कमरे थे और इन्हें अभी गिराया गया है क्योंकि बहुत पुरानी हो गई थी और पुरानी इमारत थी ये 2 कमरे, तो इस वजह से ये कमरे जो है ना मिसमार किए गए हैं। ये 3 कमरे हैं ना, ये अभी भी है, यहाँ पे बच्चों को बैठाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये टेंट वगैरह पड़ी हुई है, यहाँ पे बच्चों को बैठाते थे। ये ऊपर जो है ना, ये सोलर पैनल लगा हुआ है, ये शायद आपको दिखाई दे रहा हो। और इसके साथ ये दूसरा जो है ना, ये मिडिल स्कूल है बरक्का का। ये तालाब शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये बिल्कुल खाली है, इसमें पानी नहीं है। यहाँ के लोग बेचारे जो हैं इसी तालाब का पानी इस्तेमाल करते हैं और पीने के लिए जो ना बहुत दूर से लाते हैं। अभी चूंकि खुशहाली है, पानी है नहीं, बारिश ही नहीं है, तो इस वजह से तालाब जो है ना खाली पड़ा है।